खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई ब्रंच में क्या खाना चाहिए, ब्रंच होता क्या है? देखिए संडे के रोज, रविवार के रोज अब कुछ लोग लंच नहीं खाते, ब्रेकफास्ट नहीं खाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट और लंच मिला देते हैं। तो एक काम करते हैं, पूरा एपिसोड ब्रंच। तो आज के ब्रंच में छोले आलू, पीठी वाली पूड़ी। देखिए क्या क्या है, शुरुआत करते हैं छोले आलू से। इसके लिए जो आलू हैं वो उबाले हुए हैं हमने, और उबाल कर छील लिया, और उसके साथ इसे ये मोटे टुकड़ों में काट लिया। और जो छोले हैं, चने हैं, उसको आप रात भर भिगो के रखें, और उसके बाद आपने इसे पकाना है। अब क्या करना है, पैन के अंदर तेल, दूसरे एक पैन के अंदर भी मैंने तेल लिया हुआ है, इसे भी गरम करना है, इसे भी गरम करना है। ये जो पैन है इसे आप जब ये गरम हो जाए तब इसके अंदर डालें जीरा। ये जो रेसिपी है इसमें जीरे का इस्तेमाल काफी है। इसमें हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, ये लीजिए, इसके साथ साथ ये अदरक का पेस्ट, और अब ये थोड़ा पानी चने का, जिसमें जब आपने चने बनाए, जब पकाए तो जो पानी बचा हुआ है वो ले लिया। और ये तेल क्या कह रहा है देखें, ये देखिए अच्छा भुन गया है अदरक और लहसुन। तो अब इसमें हम डालते हैं सूखे मसाले, धनिया पाउडर, उसके साथ साथ जीरा, और क्या डालें, और लाल मिर्च, थोड़ी सी खटाई अमचूर की। अब एक काम करते हैं, वाह, और ये जो आलू हैं ये पक रहे हैं तेल के अंदर, और अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये चने इसके अंदर। और अब इसमें ये जो चने का पानी है वो डाल देते हैं, नमक स्वादानुसार ये मिला लेते हैं हम। और इसमें क्या करना है, एक मसाला तैयार करना है हमने, चने का मसाला, नहीं पैकेट वाला नहीं, बस दो चीजें उसके अंदर हमने डालनी है, वो है अनारदाना, इसे थोड़ा सा भून लें, और जीरा, इसे भी अच्छा भून लें। तो ये जीरा और अनारदाना ये भून कर पीस लें, ये देखिए ये हम डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय है। अब ये जो आलू हैं ये चेक कर लेते हैं, बस हल्के हल्के ये करारे होने शुरू हो गए, एकदम लाल नहीं करने हमने। तो अब ये जो आलू हैं इसे हम निकाल लेते हैं, और निकाल कर क्या करना है, बस इसके अंदर डालें इसी तरह से छोले आलू। आलू डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं ये भुना हुआ जीरा और अनारदाना पिसा हुआ, ये डलता है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, और अब इसके अंदर गरम मसाला भी, खुशबू भी अच्छी आनी चाहिए, थोड़ा सा पानी इसमें डाल देता हूँ, और अब गरमा गरम तेल में टमाटर, वाह, और अब ये टमाटर के बाद जब आपने इसे परोसना हो तो थोड़ी सी तली हुई हरी मिर्च ऊपर से डालें, और इसको परोसें किसके साथ, भाई ब्रंच है तो कुछ और बनाएं, पीठी वाली पूड़ी। पीठी वाली पूड़ी कैसे बनाएंगे बताऊंगा मैं आपको, अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स। आलू छोले के लिए हमें चाहिए 1.5 कप काबली चना, 2 आलू उबले हुए और कटे हुए, 1 बड़ा चम्मच चाय की पत्ती, 3 सूखे आंवले, 5 बड़े चम्मच तेल और शैलो फ्राई करने के लिए तेल, 2 बड़े चम्मच जीरा, 6 हरी मिर्च चीरा लगी हुई, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट,
दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर, दो बड़े चम्मच जीरा पाउडर, डेढ़ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच अमचूर, नमक स्वादानुसार, एक बड़ा चम्मच अनारदाना, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और दो टमाटर कटे हुए। इसके लिए चने को सफिशिएंट पानी में रात भर भिगो के रखें। इसके बाद एक प्रेशर कुकर में नमक, चाय की पत्ती और सूखा आंवला डालकर करीब 20 मिनट तक पका लें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें डालें जीरा, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। इसे भून लें। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर और एक कप पानी डालकर मिक्स करें और इसके साथ इसमें डालें उबले हुए चने और नमक डालकर कुछ देर तक पकाएं। एक पैन में जीरा और अनारदाना डालकर भूनें और उसके बाद इसे पीस लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें डालें कटे हुए टमाटर और इसे कुछ देर पकाकर अलग रख लें। इसी तरह से एक कढ़ाई में तेल गरम करके आलू को कुछ देर तक तलें और इसे निकाल कर चने के अंदर डालें। इसके साथ इसमें डालें जीरा और अनारदाना पिसा हुआ, गरम मसाला पाउडर, नमक और इसके साथ इसमें डालें पके हुए टमाटर। इसे हल्के हाथ से मिलाएं और तुरंत गर्मा गर्म परोसें।